था ना सेमिनार को नमस्कार करने का, और मेरे घर में जब जाते थे ना तो तीन बार नमस्कार करते थे, इसीलिए जल्दी से कहा के नमस्कार नमस्कार भी सभी लोगों के घर में आए थे। डुमरी के धरती पे मुझे आने का मौका मिला आप सबके बीच में, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत यहाँ स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज यहाँ मुझे बुलाया और थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। देखिए एक कहीं मैंने सुना था, कहते हैं कि गले से आपको लगाना था, ये ईद के बस एक बहाना था, और मुझे तो आप जैसे एनर्जेटिक लोगों के बीच में आना था, ये सेमिनार तो बस बहाना था। yes! मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 16 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, कुछ भी कर लीजिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम। एक ऐसे जीवन को मैं जी रही थी जहाँ ना कोई मेरी नाम थी, ना कोई पहचान थी, ना कोई सम्मान थी। हिंदुस्तान की एक आम महिला की बात करूं, उसके पूरे जीवन में किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की मम्मी, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी की चाची, इससे भी बच जाए तो किस गांव से आई है उस गांव के नाम से बुला लेते हैं, लेकिन खुद को उसके नाम से नहीं बुला है कि नहीं, सहमत है मेरी बात से? देखिए मैं बस यहाँ आप लोगों से बातचीत करने आई हूँ, तो मेरी बातों का थोड़ा सा जवाब दीजिए। औरत जो होती है ना, औरतों को बात करने में बड़ा मन लगता है, फेमस है ना वर्ल्ड में कि औरतें बिना बात किए रह ही नहीं सकती, तो मैं तो बस आप लोगों के बीच में बातचीत करने आई हूँ, दोनों तरफ से होगा तभी तो बातचीत होगी। यही पहचान है ना हिंदुस्तान में एक आम महिला की, कि उसके घर में भी उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई नाम नहीं है। ऐसे ही जिंदगी को मैं जी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था, मैंने सुना है हर धर्म में, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से बताया गया है कि अगर आपको मानव जीवन मिला है तो समझिए ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी नेमत है। मैंने भी सुना था कि 84 लाख यूनिट से गुजरने के बाद मानव जीवन मिलता है, और इस जीवन में आकर के भी अगर सिर्फ खाना पीना खाया, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चा पैदा हुआ, और एक दिन खटिया पकड़ के निकल गए, तो इंसान बनने का फायदा क्या? कुछ नहीं, कुछ भी बड़े होते उल्लू, गधा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कम से कम 10-15 साल में निपट तो जाते हैं। जब निपटना ही है तो फिर इंसान क्यों बने? तो ये कसित थी मेरे मन में एक आग था कि जीवन को जीने का कोई मकसद नहीं है, और जिस जीवन को जीने का कोई मकसद ना हो वो जीवन जीवन नहीं होता। लेकिन कहते हैं जब आप शिद्दत से ऊपर वाले से कुछ चाहते हो तो ऊपर वाला आपको आपकी चाहत से मिलवाता है, बस असर आपके चाहत में होना चाहिए। मुझे इस बात की बहुत कसित थी कि मेरे जीवन का कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है, और ऐसे में जब मेरे पास ये बिजनेस आया, उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत एक आम महिला जिसको लोग घर में भी नहीं जानता था, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से बुला। मेरी जब शादी हुई थी, मेरे पिताजी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे अपने शहर में, एक समाज से भी अच्छे नेता थे, मतलब लोगों के नजर में इज्जत थी, सम्मान थी, तो बचपन से आदत थी पिताजी के साथ जब भी कहीं रास्ते पे निकलते थे तो कोई ना कोई 4-5 आदमी मिलता था, प्रणाम, नमस्ते, इस तरह का होता था। तो जब मेरी शादी हुई और ऐसा कुछ संजोग बना कि जिस शहर में मैं पली बढ़ी, जिस शहर में जन्म हुआ था, उसी शहर में शादी के बाद रहने को आना हुआ बिजनेस करने के लिए, जब हम लोग यहाँ पे आए, तो मेरे मन तो कहीं ना कहीं ये रहता था कि लोग मेरे पति को मेरे पिताजी के दामाद के नाम से जानेंगे, उनके नाम से नहीं जानेंगे। लेकिन ये इस बिजनेस का पावर है, मेरे पिताजी के नाम से मुझे लोग एक शहर में जानते थे, पति के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जानते थे। आप
आप जो सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा इस बिजनेस में देने की क्षमता है, लेकिन सोचना पहले खुद को पड़ेगा। जब मेरे पास इस बिजनेस का प्लान आया था, जिसने मेरे पास इस प्लान को लेके आया था वो काफी देर तक मेरे पास बैठे, लगभग आधा पौन घंटे का प्लान लेके आया था, 3 पेज का प्लान था। काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इस सिस्टम में जुड़ करके अगर आप तो सामान खरीदते हैं तो आपके घर में पैसे आएगी, खुशहाली आएगी, आप अमीर बन सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। आधा घंटा तक बात करने के बाद जब अगले ने मुझसे पूछा कि भाभी जी कुछ समझ में आया, तो मेरा जवाब था कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि जब ये प्लान मेरे जीवन में आया था, सर उसके पहले कलकत्ता में एक सिविल इंजीनियर के रूप में एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, लोगों के लिए घर बनाते थे लेकिन खुद के लिए घर में रहने का ठिकाना नहीं था, सिंगल एक रूम का घर होता था और उसमें हम लोग देवर सास ससुर सब मिला के 7 परिवार हुआ करते थे और एक रूम में उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में बनाना, उसी में सोना, ये हमारी कंडीशन थी। वहां से सोचा लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, कुछ लोगों से पूछा जाना तो पता चला बिजनेस करने से लोग अमीर बनते हैं, तो बिजनेस करने के लिए हम लोग बोकारो आ गए, मेडिकल लाइन का बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले एक मेडिकल दुकान खोला, फिर लगा इससे बात नहीं बन रही है तो फिर एक नर्सिंग होम खोला, फिर लगा इससे भी बात नहीं बन रही है, कर्जे में दबते जा रहे हैं, तो फिर से ट्राई किया और सर बैंक में जॉब। तो कुल मिला के जब मेरे पास ये बिजनेस आया, सर की एक नर्सिंग होम चल रही थी, बैंक में जॉब थी और एक जॉब को छोड़ के आए हुए थे, और जिंदगी की जो हालात थी वो ऐसा था कि एक साड़ी अगर खरीदना हो तो इंतजार करना पड़ता था कि दुर्गा पूजा का बोनस आएगा तो खुद के लिए साड़ी खरीदेंगे, छत आएगी तो सास के लिए खरीदेंगे, भाई दूज में ननद के लिए खरीदेंगे, और साल साल भर तक प्लानिंग करना एक साड़ी खरीदने के लिए। ये हालात थे, ये स्थिति थी, लेकिन ऐसे में एक शख्स आता है और सिर्फ ये कहता है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ दुकान बदलना है, दूसरे दुकान से सामान को खरीदना है, आप अमीर बन जाइएगा, करोड़पति बन जाइएगा। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगला जो बंदा उस दिन आया था वो भी सोच के आया था कि आज तो फंसा के जाना। हम लोग भी जब घर से निकलते हैं ना तो प्लानिंग करके जाते हैं आज तो किसी न किसी को फंसा के आना, तो वो बंदा सोच के आया था कि आज तो फंसा के नहीं आना है। और उसने लास्ट में जो एक बात कही, वो भले फंसाने के लिए बोल रहा था लेकिन वो बात मेरे पूरे जीवन को चेंज करके रख। उसने लास्ट में सिर्फ एक बात कही, इस सिस्टम में जुड़ के अगर आप एक साबुन खरीदते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया आए, और ये 1 रुपया मुझे फटाफट समझ में आ गया क्योंकि मैं काम गृहिणी थी। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे लगभग सब गृहिणी है ना, कितनी महिलाएं जो घर संभालती है, आप कोई काम नहीं करते, पर लोमड़ी की नजर उसके ऊपर पड़ी। लोमड़ी बहुत तेज होता है, सलाख भी होता है, लोमड़ी की नजर पड़ी है, लोमड़ी सोचा आज तो फर्स्ट क्लास एकदम मुलायम मुलायम लंच मिला है, और उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। जैसे ही लोमड़ी उसके पीछे आने लगा, वो खरगोश भी काफी तेजी से भागने लगा, जितना तेज खरगोश भाग रहा था उतना ही तेज लोमड़ी भी भाग रहा था। भागते भागते हाँपते हाँपते खरगोश दौड़ते दौड़ते अपने बिल में जाके घुस गया। अब जब बिल में घुस गया तो लोमड़ी उसको कुछ नहीं कर सकता था, और इतनी दूर की ओर दौड़ हो गई थी कि लोमड़ी भी थक चुका था, खरगोश भी थक चुका था, खरगोश बिल के अंदर से हाँफ रहा है, लोमड़ी बाहर से हाँफ रही है। लेकिन लोमड़ी बोली उस खरगोश से पूछी, तुम मेरे से छोटे हो, क्या तुम मेरे से कमजोर हो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुमसे ज्यादा तेज हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा। खरगोश ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक टाइम के लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी पूरी लाइफ के लिए भाग रहा हूं। इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे साथ और बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, इनफैक्ट मेरा जो अपलाइन था जिससे ने मुझे ज्वाइन कराया, आज के समय मेरा वो अपलाइन जो मुझे
जिसने मेरे सपनों को जगाया था, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, करोड़पति बन सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, आज के समय मेरा वो अपलाइन लोगों के शादियों में फोटो खींचता है। और उसने मुझे समझाया, मैं समझ गई, मैं सिस्टम को जान गई, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। और वो बंदा तो बस एक टाइम के लंच के लिए भागा। आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं मानती हूँ, मैंने आके जवाब दो, अगला बंदा कितना देर तक घुसाएगा, सिर्फ तुम जवाब मत दो, मुस्कुरा के डाल दो। और मैं भी यही काम करती थी, सर जब नाराज होते थे, गुस्सा होते थे, मैं मुस्कुरा के रह जाती थी। और जब सर का माथा ठंडा होता था तो सर को बड़े प्यार से बोलती, सर ठीक बोलते, औरतों के पास दिमाग कम होता है, हम तो अपना दिल से काम। सर को मैं बताती थी, और जो देखिए फैक्ट है, एक महिला, एक सिंपल महिला जिस घर में जन्म लेती है, अपना भाई बहन परिवार दोस्त सखी सहेली सबको छोड़ के एक झटके में एक आदमी उसका घर का लोग लाके खड़ा करता, बोलता है यही तुम्हारा आज से जीवन है, इसी के साथ रहना, इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना है, कोई कष्ट हो वही सहना है कि नहीं? बिना कोई सवाल किए चुपचाप हम लोग चले आते हैं एक अनजान घर को बसाने के लिए। भैया ये तो दिल का मामला है, दिमाग से तो नहीं। और मैं सर को बोलती थी, सर वाकई महिलाओं के पास दिमाग कम होता है, हमारे पास तो दिल ज्यादा होता है, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट लाते हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट लाते लाते 7 महीने बाद पहली बार मेरे नाम से, देखिए मैं मेरी जो एजुकेशन है वो टीटीएमपी की, टीटीएमपी मतलब टैंट्रम में मैट्रिक पास, टीटीएमपी की मेरी एजुकेशन है, तो अपने नाम से एक ढंग का सर्टिफिकेट भी नहीं था कभी। और पहली बार मेरे नाम से एक चेक आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कल्याणी मिश्रा 527 रुपये। उस 527 की जो खुशी है ना, आज 5 लाख की मिली, और उस वक्त डबल खुशी मिलती है, तो पहली बार अपने नाम से इनकम आया, दूसरे के सर बोलते थे पैसा नहीं आएगा, सबके पास जीत भी होती है अपनी, आपका जीत होता है तो ज्यादा खुशी होता है कि नहीं? महिलाएं समझती होंगी इसको। तो सर जब उस दिन बैंक से आए, मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ, मैं एकदम खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, सर को जैसे ही वो चेक दिखाया, सर का तो चेक देखते ही बोलती बोलती, क्योंकि सर को भी विश्वास नहीं था कि पैसा आएगा, वो भी सोचते थे कि कुछ दिन का जुनून है, कुछ दिन का पागलपन है, पैसा वैसा नहीं आएगा, खुद भूल जाएगी, कुछ दिन भैया झेल, मैं बहुत लकी हूँ इतना अच्छा पति दिया ऊपर वाला, झेलने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उस दिन वो चेक आया, उसके बाद सर के भी समझ में आ गया कि नहीं, जरूर कोई विशेष बात है, और सर ढूंढना शुरू किए उस शख्स को जिसने मुझे इस बिजनेस में फंसाया था। सर उसके पास गए, उसके पास जाकर के बोले कि अब हमको आरसीएम करना है, बताओ कैसे करना है। तो सर को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुमको आज तक आरसीएम याद है? हम तो कब का भूल गए। और सर को बहुत अच्छा से मैथ समझाया, देखो 1500 रुपये लगा था, 3 सेट पेंट का कपड़ा मिला, 500 रुपये आ गया, 1000 रुपये का कपड़ा हुआ, 500 रुपये आ गया, खुश रहो, इससे ज्यादा आरसीएम नहीं होता। सर की हिम्मत नहीं हो रही थी ये बात मुझे बताने की कि जिसने मेरे सपनों को जगाया, जिसने मेरे जुनून को पैदा किया, जिसने मेरे अंदर आग लगाया कामयाबी की, वो खुद ही बोल रहा है कि कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं जब आप की चाहत मजबूत होती है, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर, जो किट हम लोगों ने लिया था उसमें एक किताब आती थी, एक पेज आता, आरसीएम टाइम्स 4 पेज का एक पेपर आता था, और उसमें बहुत सारे लीडर्स के नाम और नंबर होते थे। सर ने उसमें से ढूंढना शुरू किया, एक नाम सर को जाना पहचाना परिचित लगा, एक बार पिकअप सेंटर पे उनका पोस्टर देखे थे, अनिंदो मिश्रा, सर ने उनको फोन किया, सर मुझे आरसीएम करना है। अच्छा ऐसा कोई मिलता है क्या, खुद से बोले आरसीएम करना है क्या, तो 5 बार बोले तो लोग बोलता नहीं करना है,
नहीं हुई। वो बोले अच्छा अर्जित करना है, एक काम करो बुनियादपुर में मैं रहता हूँ, बंगाल में है, आ जाओ। उनको कहीं से विश्वास नहीं था कि ये बंदा बिजनेस को करेगा। देखिए मैं आज अपनी बातों को आपके पास क्यों रख रही हूँ, कई बार हम लोग प्री जजमेंट कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा करेगा, ये नहीं करेगा, ये बहुत खराब करेगा, इसके पास तो दिमाग नहीं लगा है। हमें नहीं पता किस रूप में हमारे नीचे डायमंड आ रहा है। प्री जज कभी किसी को नहीं करना है।